इंदौर शहर में बढ़ रहे कोरोना के नए आंकड़े को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर में 3 दिवसीय वैक्सीन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज कांग्रेस निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम द्वारा इंदौर आजाद नगर वाटर पंप मैदान में शासकीय उर्दू स्कूल में नया वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह और शहर काजी इशरत अली मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि देश में कोरोना के नए संक्रमण चल रहे हैं। पूरे विश्व में अलग अलग समय में अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे, जिसका इलाज केवल एक ही है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लगने के बाद व्यक्ति 20 से 25 दिनों में एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाती है। उसके बाद कोविड-19 संक्रमण होता भी है तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। वहीं शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने लोगों से ज़्यादा कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। देखिए, अभी जो कोविड के अलग अलग वेरिएंट चल रहे हैं पूरे विश्व में, अलग अलग समय पे अलग अलग वेरिएंट्स आते रहेंगे सब जगह, इन सब का इलाज केवल एक ही है, वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन लगवा लेता है व्यक्ति तो उसको 20-25 दिन में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है, उसका असर बहुत कम हो जाता है। और जो सेकेंड डोज के 20-25 दिन बाद ये स्थिति आ जाती है कि उसको कोविड का इन्फेक्शन लगे ही ना उसको, इसलिए कोविड की फर्स्ट डोज तत्काल लगाना बहुत ज़रूरी है सभी 45+ लोगों से। इस शहर में आज 215 करीब हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं। शहर में 215 चल रहे हैं, ग्रामीण में 115 करीब चल रहे हैं, 115-118 चल रहे हैं। शहर के केंद्रों में हम लोग और बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। प्रयास है कि 275-300 जगह शहर में वैक्सीनेशन चले। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको अनिवार्यता कराएं। मेरा तो ये सोचना है कि इंदौर में 85 या 86 जितने भी पार्षद हैं, सब पार्षद अपने अपने एरियों के अंदर ऐसा कैंप लगवा के और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके, लोगों को लाकर, लोगों में विश्वास पैदा कर 15 दिन के अंदर ये कोविड के जितने भी टीके हो सकते हैं हम पूरा करवा दें। मजहबी तौर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक तौर से कोशिश कर रहे हैं, सियासी तौर से कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन तो कर रही है। तो नतीजा होगा कि 15 दिन बाद कुछ हालात आपको बहुत हद तक बदले हुए दिखेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। हमारी अपील है कि किसी भी भ्रांति में और किसी भी गलत संदेश में नहीं आए, क्योंकि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ये महामारी बहुत ख़तरनाक तरीके से फैलती जा रही है, जिससे हमें ये टीका ही महफूज रख सकता है। तो हमारा टीका और हमारी सुरक्षा के लिए हमने ये कैंप स्टार्ट कराया है। गौरतलब है कि शासन प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास करने में जुटा है, लेकिन लापरवाही के कारण शहर में दिनों दिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।